Hi guys, I'm Sakshi Pawar and you're watching my channel English with Sakshi Pawar. Welcome to today's editorial class. जो लोग भी first time आए हैं channel पर subscribe कर लीजिएगा channel को और bell icon भी hit कर दीजिए, class को भी like कर दीजिए. चलिए start करते हैं. <coughs> so the first thing that I would like to tell you about is this scholarship test. So कल आपका ये scholarship test है सुबह 10 बजे होगा. Uh, ये अनकेडमी की ऐप पर होता है एकदम फ्री टेस्ट है सभी लोग इसको ज़रूर से ले लीजिएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दूँगी साक्षी ट्वेंटी फोर कोड यूज़ करके इसको अनलॉक कीजिएगा ठीक है साक्षी ट्वेंटी फ़ोर कोड डिस्काउंट के लिए भी यूज़ हो सकता है आपका ट्वेंटी uh, थर्ड से आपका डिस्क्रिप्टिव का बैच आ रहा है सो so, जो लोग भी एस बी आई पी ओ में अपियर कर रहे हैं उनके लिए तो है ही जो नहीं भी कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए क्योंकि येस उसमें आपको मैं सिखाती हूँ कि कैसे ऐसे लिखना है कैसे लेटर लिखना है और चेक भी करती हूँ तो ये बैच आपका ट्वेंटी थर्ड से आ रहा है सो मेक श्योर कि आप उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसमें कोड भी लगा है ठीक है so, सो हमारा आज का जो एडिटोरियल है इट्स अबाउट एक्सपोर्ट्स ट्रेड ट्रेड विंड्स किस तरफ विंड चल रही है इंडिया uh, के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं वर्स्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज आर येट टू फुल्ली हिट इंडियन एक्सपोर्ट्स अब आप देख ही रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन सो so, वो ये बोल रहे हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमीज फॉल्टर कर रही हैं कहीं ना कहीं यू uh, नो you know, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रही हैं उसके इफेक्ट्स अभी भी कंप्लीटली इंडियन एक्सपोर्ट्स को हिट करना बाकी हैं तो इंडियन एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट होंगे चलिए अब हम अपनी वो कैब देख लेते हैं स्टीप का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं कि इट इज स्टीपली राइजिंग या स्टीपली फॉलिंग इसका ये मतलब है क्विकली हो रहा है वो ठीक है सो so अगर हम कहेंगे एक आर स्टीपली राइजिंग तो वो क्विकली बढ़ रहे हैं ओके हेडविंड वैसे तो एक विंड होती है जो टूवर्ड्स द यू नो पर्सन या व्हीकल ब्लो करती है बट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन हम उसको यूज करते, करते हैं तो हेडविंड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन रिवर्जन का मतलब क्या होता है रिवर्ट रिवर्ट मीन्स जैसे आपका पहला बिलीफ रहा करता था आप उस पर जब वापस जाते हैं दैट इज रिवर्जन पेंटअप का मतलब क्या होता है आपके अंदर वो चीज दबी हुई थी अगर हम कहें कि पेंटअप फीलिंग्स इसका मतलब है वो फीलिंग्स आपके अंदर दबी हुई थी आपने उसको होल्ड करके रखा था इनसाइड और एक्सप्रेस नहीं किया था स्टटर करने का मतलब स्टैमर होता है सो so, अगर आप यू नो ब्रेक देकर पढ़ते हैं पढ़ते हैं कैरी सॉरी Uh, बोलते हैं सो दैट इज ओके मडल का मतलब क्या होता है किसी को कन्फ्यूज कर देना ट्यूमल्टूअस का मतलब होता है वेरी नॉइजी यू नो हलचल मची होती है जब दैट इज ट्यूमल्टुअस होल्ड अप का मतलब होता है एक डिले अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ टैंक हो गई है तो वो फेल हो गई है कंप्लीटली ठीक है स्लैकन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत धीरे कम स्पीड पर चला रहे हो दैट इज स्लैकनिंग अगर हम कहते हैं डिमांड इज स्लैकनिंग तो बहुत स्लो स्पीड में चल रही है डिमांड ठीक है बहुत कम बढ़ रही है ऐसा बोल रहे हैं वो बाकी चग एक्चुअली में इंजन की साउंड को बोलते हैं जब इंजन चलता है ठीक है चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो आप खुद ही वीडियो को पॉज करके इसको रीड कीजिएगा ऑफ कोर्स नो पॉइंट इन वेटिंग है ना सो दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मार्क द स्टीपेस्ट फॉल तुरंत से गिरा क्विकली गिरा uh, क्या गिरा इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट्स सो दो साल में इतना कभी नहीं गिरा था जितना अभी गिरा विथ प्रोडक्ट्स वर्थ थर्टी फोर डॉलर शिप्ड पॉइंट टू परसेंट लोअर तो अगर एक साल पहले के कंपेरिजन में हम देखें तो ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट कम था इस बार ओके okay? इतना ही शिप आउट मतलब एक्सपोर्ट किए गए इतने वैल्यू के गुड्स दिस वॉज द सेकेंड टाइम इन थ्री मंथ्स तीन महीनों में ये तीसरी बार था दैट सॉरी तीन महीनों में ये दूसरी बार था कि शिपमेंट्स जो हैं वो गिरे ड्रॉप हुए उनका जो यू uh, नो you know, आप ट्रेड करते वो ड्रॉप हुआ साल दर साल अगर हम कंपेयर करें तो एंड टॉप कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशल्स ने सॉट किया टू काम नर्व्स बाय साइटिंग द ग्लोबल हेडविंस सो सॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि उन्होंने बेसिकली ऑफिशल्स ने एम किया ये कि वो नर्व्स काम करना चाहते हैं कामिंग नर्व्स का मतलब है थोड़ा रिलैक्सिंग सिचुएशन लाना चाहते हैं कैसे बाय साइटिंग बाय रेफरिंग द ग्लोबल हेडविंड ऑबस्ट्रक्शन दैट वर पोजिंग चैलेंजेस फॉर इंडियन मर्चेंडाइज मीनस इंडियज गुड्स एंड सर्विसेज तो बेसिकली वो ग्लोबल ऑब्स्ट्रक्शन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वेस्टर्न इकोनॉमीज में जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो सफर कर रहे हैं ठीक है अच्छा ईयर ऑन ईयर वही रूल लगा हुआ है कि प्रपोजिशन के आसपास जो सेम वर्ड होता है उसमें एस नहीं होता है वो प्लूरल नहीं होता दीज इंक्लूड द क्लाउड्स ऑफ रिसेशन रिसेशन के बादल छाए हुए हैं ब्लोइंग थ्रू यूरोप एंड द यू एस तो यूरोप और यू एस में ऐसा न्यूज़ है कि रिसेशन आने वाला है तो वो बादल छाए हुए हैं तो वो इंडिया पर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन जो चाइना में है एंड अ रिवर्जन रिवर्जन अगेन वो यहाँ पर मीन कि वो जो पुराना बिलीफ था प्रोटेक्शनिज़्म का इन सम मार्केट्स कुछ मार्केट्स uh, जो पहले बिलीव करती थी वो वापस से वही बिलीव करने लग गई हैं सो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे आ, नहीं तो क्या होगा कि हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स uh, को जो है आ, उनके रेवेन्यू नहीं मिलेंगे सो so, डोमेस्टिक हम खरीदेंगे ना हम बाहर से लेंगे ना हम कुछ करेंगे सो so, वो यही बोलना चाहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म पर वो वापस चले गए हैं इसका मतलब अब वो ट्रेड नहीं करना चाहते तभी तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए ना ठीक है सो so, आप पढ़ लीजिएगा इसको ब्रेक देकर टू बी क्लियर अब इस बात पे क्लियर होने के लिए एक हाई बेस इफेक्ट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन एग्जैजरेटिंग द ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट डिप इन दिसंबर सो हाई बेस इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर यार आप एक बेस ईयर सो हम जब भी कम्पेरिजन करते हैं तो हम एक बेस ईयर लेते हैं और उस बेस ईयर में जितना एक्सपोर्ट हुआ होता है तो हम उसको लेते हैं और उसके कंपेरिजन में बताते हैं कि भाई आज कितना है तो एक्चुअली में बेस ईयर में जो अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स था वो बहुत ज्यादा था ठीक है अब वो बेस ही आपने इतना ज्यादा ले रखा है इसके आधार पर ही अगर आप आज का देखोगे तो आज का एक्सपोर्ट इसीलिए तो इसकी वजह से इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कम है यार एक्स तो बहुत ज्यादा हम करते थे और अभी एक्स माइनस फॉर एग्जाम्पल यू नो वन थाउजेंड जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल तो अभी अभी अगर करंट एक्स माइनस वन थाउजेंड रहेगा तो आपको लगेगा यार कितना कम हो गया ना तब से तो ये जो हाई बेस इफ़ेक्ट है इसने भी एक रोल प्ले किया इस डिप को एग्जैजरेट करने में ये जो डिप आया है ना एक्सपोर्ट में जो कमी आई है इसको बहुत एग्जैजरेट कर दिया क्योंकि बेस इफेक्ट ही आप इतना ज़्यादा बता रहे हो ठीक है एग्जैजरेट मतलब किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा लेवल पर जब बताते हो ठीक है दिसंबर 2021 ट्वेंटी वन हैट क्लॉक्ट क्लॉक मीन्स रिपोर्टेड द सेकेंड हाइएस्ट एक्सपोर्ट इस टाइम पर सेकेंड हाइएस्ट एक्सपोर्ट थे ये उसकी अमाउंट है इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब इंडिया के गुड शिपमेंस जो है वो इतना क्रॉस कर गए थे वर्ल्ड का जो ट्रेड डायनेमिक्स पूरा चल रहा है वो चेंज हो गया है तब से कंप्लीटली ऑल्टर हो गया है एज द मोमेंटम विच मीन्स द स्वी स्पीड स्वंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडमिक पेंटअप रीबाउंड To a stuttering growth, ट्रेड डायना चेंज हो गया स्पीड जो है, वो स्विंग, हो गई है। स्विंग मतलब so स्विंग मतलब एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर आ गई है सो so, एक पोजिशन क्या है कि जैसे ही यू नो पैंडमिक का ऐसा लगा कि अब खत्म हो रहा है तो जब इकोनमी वापस से ओपन हो रही थी तो पेंटअप डिमांड लोगों की वापस आई है ना पेंटअप किसको लिखा हुआ है कि डिमांड लोगों ने अपने रोक के रखी हुई थी जब लॉकडाउन लगा था और एकदम से लोगों ने फिर डिमांड करना शुरू कर दिया तो पोस्ट पैंडमिक पैंडमिक के बाद की वो जो पेंटअप दबी हुई डिमांड थी वो रिबाउंड हुई वापस आई ठीक है तो बेसिकली रिबाउंड ऑफ द पेंटअप डिमांड ठीक है इस रिबाउंड जो कि एक अच्छी चीज है इससे हम स्विंग होके एक स्टटरिंग ट्रैजेक्टरी पर आ गए हैं ठीक है थीके? अब देखो बेटा स्टटर का मतलब होता है स्टैमर रुक रुक के चलना तो आप समझ गए स्मूद नहीं है वो तो ग्रोथ कैसी है बहुत रुक रुक के हो रही है ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ सो स्टरिंग स्टर्... पाथ पर हम आ गए विच इज अगेटिव थिंग ठीक है और ये सब किस चीज के बीच में हो रहा है सोरिंग इन्फ्लेशन साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जियो पोलिटिकल कन्फ्यूजन मची हुई है मडलिंग मतलब कन्फ्यूजन जिसमें यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है काउंटिंग एज ओनली वन ऑफ द मेनी शॉक्स टू द ग्लोबल इकॉनमी तो यस बहुत सारे शॉक्स हैं पर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्ट है वो सब में से यू नो वन ऑफ देम है मतलब उसके अलावा और भी बहुत सारे शॉक्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी में अभी जो ट्यूमल्टुअस टाइम्स चल रहे हैं ट्यूमल्टुअस डिस्टर्ब टाइम्स जो चल रहे हैं उसमें अगर मंथ ऑन मंथ रीडिंग की जाए यू you नो know, एक के बाद एक मंथ की अगर आप रीडिंग करें एक्सपोर्ट ट्रेंड्स की तो ये पर अच्छा बेटर वे है सिचुएशन को मेजर यानी कि गेज करने का तो मंथ वाइज इस डेटा सब रीड करो फॉर नाउ डिसंबर के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं चाहे आपने उसको लिफ्ट कर दिया हो बाय द लास्ट बैचेस ऑफ प्री हॉलीडे फेस्टिव शिपमेंट्स रीचिंग द डिस्ट शोर्स तो वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर के एक्सपोर्ट नंबर्स, चाहे आपने पिछले महीने जो प्री हॉलीडे फेस्टिव शिपमेंट गई हैं मतलब फेस्टिवल uh, <coughs> की वजह से जो लोगों ने डिमांड किया आपने उसको भी अगर उसमें जोड़ लिया एक्सपोर्ट नंबर्स में तो दैट यू नो होल्ड अप वेल ऑन दिस फ्रंट होल्ड अप का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिले हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स, मतलब अभी एक्सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अक्टूबर एंड नवंबर इनिशियल ट्रेड एस्टिमेट्स। सो अगर हम इसको अक्टूबर और नवंबर के इनिशियल ट्रेड एस्टिमेट से मैच करके देखें तो दिसंबर के एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं वो एक्चुअल नहीं है ठीक है क्योंकि अभी वो उस टाइम पर फेस्टिवल की वजह से जो है वो शिपमेंट्स थे अभी वो एक्सपोर्ट जो है वो डिले हो चुके हैं अदर सिल्वर लाइनिंग सिल्वर लाइनिंग मतलब कुछ थोड़ा अच्छा वो ये है दैट इम्पोर्ट्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड चलो ये एक बात अच्छी है कि इम्पोर्ट भी कम हो गए थ्री पॉइंट फाइव परसेंट से नवंबर uh, से पहला इंस्टेंस ऐसा है कि इम्पोर्ट कम हुए क्योंकि देखो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं तो हम पैसा बाहर दे रहे हैं देशों में तो चलो एक्सपोर्ट्स कम हुए तो इम्पोर्ट भी कम हुए ऑल्दो दे रिमेन फ्लैट सीक्वेंशली एट अराउंडी एट पॉइंट टू सो फ्लैट मतलब उतना ही रहा जितना है ठीक है बट कम हुआ है पहले से फॉर द फर्स्ट नाइन मंथ्स 2022-23 के इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो 9.1 परसेंट हायर था अगर हम एक साल पहले से कंपेयर करें लेकिन वो 11.1 परसेंट से थोड़ा सा कम था सॉरी 11.1 पॉइंट राइज से थोड़ा कम था ये राइज रिपोर्ट की गई थी नवम्बर ट्वेंटी में कुछ एजेंसीज एक्सपेक्ट करती हैं कि ग्लोबल रिसेशन हिट करेगा डिमांड को फॉर इंडियन गुड्स फार हार्डर इन द करेंट क्वार्टर अभी जो करेंट क्वार्टर चल रहा है इसमें बहुत हिट होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट्स ये सो मच सो मतलब इतना, मतलब इतना एक्सपोर्ट हिट हो जाएंगे कि हम पूरे ईयर का अभी से ही यू नो कैलकुलेट कर सकते कि एक्सपोर्ट कंप्लीटली श्रिंक हो जाएंगे अच्छा यहाँ पर फार के बाद कंपेरिटिव डिग्री लगती है ये मैंने आपको एयर डिटेक्शन की क्लास में सिखाया था जब रिलेटिवली और कंपेरिटिवली के एग्जाम्पल्स भी लिए थे इन दिसंबर इट्स न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अगर हम दिसंबर की बात करें तो जो नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो ग्रो हुए लेकिन बहुत ही स्लो पेस पर सबसे स्लो स्पीड पर इन फाइव मंथ्स इतनी कम स्पीड कभी नहीं हुई एज फर्म स्ट्रगल इन की एक्सपोर्ट मार्केट सो फर्म स्ट्रगल कर रही थी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स में और ये इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा मिला है लेटेस्ट डेटा जो यूएस रिटेल स्टोर्स का है सेल्स का है दैट सिग्नल सो ये डेटा के लिए प्लूरल वर्ब लगा हुआ है द शार्पेस्ट स्लम्प स्लम्प मीन्स गिरावट ट्वेल्व मंथ्स में इवन एज इंडस्ट्रियल आउटपुट हैजैक्ड सो साथ ही साथ इवन एज मतलब साथ ही साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट भी फेल हो गया है गिर गया है कंप्लीट रिटेल सेल्स में भी एक गिरावट देखने को मिली है इन सब चीजों से हम सिग्नल कर सकते हैं द डिमांड फॉर फि फिनिश्ड गुड्स और इनपुट्स जो फिनिश गुड्स हैं जो कंज्यूमर लेता है या इनपुट जो जिससे मैनुफैक्चर बनाता है इज सेट टू स्लैकन फर्दर स्लैकन मतलब अगेन वीकन हो जाना कम हो जाना इन इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और भी डिमांड ये आगे गिरेगी चाइना रीओपन हो रहा है कॉम्पटिशन इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इवन एज सो इवन एज मीन साथ ही साथ अगेन डिमांड शिंक हो रही है कॉम्पटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है चाइना रीओपन हो रहा है क्योंकि चाइना री ओपन हो रहा है सम रिसेंट सच एज अब कुछ मूवस गवर्नमेंट ने लिए हैं जैसे ग्लिचेस को फिक्स करना इन अ ड्यूटी रेमिशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स सो बेसिकली एक्सपोर्ट्स के लिए अगर आप ड्यूटी कम लगाएंगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर पाएंगे ना तो ड्यूटी रेमिशन स्कीम वुड मीन जिसमें ड्यूटी का डिस्काउंट मिल जाता है सो so, वो टैक्स नहीं भरना पड़ता तो उसमें उस स्कीम में कुछ ग्लिचेस कुछ गलतियां कुछ एरर्स रहे होंगे उसको फिक्स किया है ना उसको सही किया एंड दूसरी चीज़ क्या करी लिफ्टिंग कर्ब्स ऑन आयरन और शिपमेंट्स सो पहले उन्होंने आयरन और शिपमेंट्स में कर्ब रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे होंगे अब उसको लिफ्ट कर दिया है तो इन सब चीज़ों से भी हेल्प मिली है बट मोर मैक्रो एंड स्विफ्टर माइक्रो पॉलिसी एक्शंस आर वॉरंटेड सो वॉरटेड मतलब गारंटीड है कि माइक्रो मैक्रो दैट मीन्स बिग लेवल पर एंड स्विफ्टर स्मॉल लेवल माइक्रो पॉलिसी एक्शन गारंटीड हैं टू कीप द एक्सपोर्ट इंजन चगिंग चगिंग का मतलब है मूविंग यहाँ पर कि एक्सपोर्ट का इंजन जो है वो साउंड करके अच्छे से मूव करता रहेगा सो so, एक्सपोर्ट का कोई इंजन नहीं है बट यहाँ पर मेटाफर की तरह यूज हुआ है कि मतलब गाड़ी चलती रहेगी एक्सपोर्ट की ठीक है सो so, यहाँ पर एनालिटिकल टोन है एनालाइज हो रही है एक्सपोर्ट की सिचुएशन कंप्लीटली दैट्स योर टोन ओके सो so, मैं आपको पीडीएफ इसका दे देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर और यस आज मैंने पी की क्लास ली है एस बी के सारे पी हमने डिस्कस कर है इट वॉज अ मैराथन एंड काफ़ी सक्सेसफुल मैराथन रहा है uh, बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट्स ने सो so, आपने अगर नहीं देखा उसको तो जाकर देख लीजिएगा बैंक हुस नाम का यूट्यूब चैनल है अकेडमी का एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सेशन बाकी टेलीग्राम पर भी लिंक है थैंक यू